आपका हमारे चैनल पे स्वागत है और हम आपको बताएंगे, यदि किसी की शादी नहीं हो रही हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो अक्षय तृतीया के दिन के टोटके हम आपको बता रहे हैं। देखिए, अधिकांश माता पिता और युवाओं की एक महत्वपूर्ण समस्या है सही समय पर विवाह। अभी इस बार अक्षय तृतीया 18 अप्रैल 2018 को है, ज़्यादा दूर भी नहीं है। देखिए, आज आधुनिकता की दौड़ में युवा अपने करियर को लेकर इतने व्यस्त रहते हैं कि उनकी शादी की सही आयु कब निकल जाती है पता ही नहीं चलता। ऐसे में कई लोगों के लिए विवाह होना और मुश्किल हो जाता है। तो अचूक प्रयोग बता रहे हैं अक्षय तृतीया के लिए, निराकरण डेफिनेट हो जाएगा, लड़के और लड़कियां दोनों कर सकते हैं। प्रयोग की विधि हम आपको बता देते हैं। इस प्रयोग को अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त में किया जाना चाहिए। पहली चीज, यह प्रयोग रात के समय किया जाना चाहिए, तो इस साल आप 8:08 के बाद कर सकते हैं, अच्छा मुहूर्त है वो। इसके लिए आप एक बाजोट लीजिए, पार्टिया होता है ना, पार्टिया लीजिए और उस पर पीला कपड़ा बिछाइए और पूर्व दिशा की ओर मुख करके उस पर बैठ जाएं। मुख आपका पूर्व दिशा की ओर होनी चाहिए। माँ पार्वती का चित्र अपने सामने रखना है। अपने सामने बाजोट पर एक मुट्ठी गेहूं की ढेरी रखना है, एक मुट्ठी गेहूं, ज्यादा नहीं। गेहूं पर एक विवाह बाधा निराकरण यंत्र आता है, विवाह बाधा निवारण यंत्र आता है, उसको स्थापित कीजिए और फिर चंदन या केसर से तिलक कीजिए। उक्त पूरी प्रक्रिया ठीक से होने के बाद हल्दी से आपको मंत्र का जाप करना है। लड़कों के लिए अलग मंत्र है, लड़कियों के लिए अलग मंत्र है। लड़कों का मंत्र हम आपको पहले बता देते हैं, पत्नी मनोरमाम देही मनोवृता नुसारिणी तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलु देव भवाम। ये लड़कों के लिए, मैं मंत्र वापस पढ़ देता हूँ, लड़कों का मंत्र, पत्नी मनोराम देही पत्नी मनोरमाम देही मनोवृतानुसारिणी तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलु धवभवाम। अब लड़कियों के लिए मंत्र हम आपको बता देते हैं, ओम गण ग्रौं गण शीघ्र विवाह सिद्धे गौर्य फट। मंत्र हम वापस पढ़ देते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मंत्र मैं लिख दूंगा, ओम गण ग्रौं गम शीघ्र विवाह दे सिद्धे गौर्य फट। अभी इस मंत्र को 4 दिन तक नित्य 3-3 माला का जाप करना है, अक्षय तृतीया के दिन से शुरू करना है। अंतिम दिन इस सामग्री को देवी पार्वती के चरणों में किसी मंदिर में आप छोड़ाए, शीघ्र ही आपका विवाह हो जाएगा। और यह प्रयोग पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ कीजिए, यह सिद्ध प्रयोग है, अतः मन में कोई संदेह नहीं लाए, अन्यथा उपाय का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। तो धन्यवाद, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।